हेलो गाइस, वेलकम टू आरके इंग्लिश क्लासेस एंड डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी सेकंड पोएम ऑफ क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री। द नेम ऑफ दैट पोएम इज द ट्रू ब्यूटी, कंपोज्ड बाय थॉमस केली। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 की जो इंग्लिश पोएट्री है का सेकंड पोएम का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी, अर्थात बच्चों सच्ची सुंदरता, सच्चा सौंदर्य। व्हाट इज रियल ब्यूटी, व्हाट इज ट्रू ब्यूटी, व्हाट इज परफेक्ट ब्यूटी, सच्ची सुंदरता है क्या, इसके बारे में थॉमस केली जी ने बहुत ही अच्छे से बताया है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट दिस पोयम मीन्स ट्रू ब्यूटी हैज गॉट ओनली टू स्टैंजा। बच्चों, इस कविता में केवल दो स्टैंजा का प्रयोग कवि जी ने किया है। व्हेन वी स्टडी अबाउट फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोयम, जब बच्चों हम इस कविता के पहले स्टैंजा का अध्ययन करते हैं, द पोएट डिस्क्राइब अबाउट फिजिकल ब्यूटी, तो हम पाते हैं कि कवि थॉमस केली ने पहले स्टेंजा में फिजिकल ब्यूटी का वर्णन किया है। फिजिकल ब्यूटी मीन्स फिजिकल ब्यूटी व्हिच डिकेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, शारीरिक सुंदरता, बॉडली ब्यूटीफुल। कवि कहता है फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट। बच्चों, इस कविता में कवि ने बताया है कि जो फिजिकल ब्यूटी होता है वो अस्थायी नहीं है, बिकॉज टाइम विल डिस्ट्रॉय आवर ब्यूटी वन डे, कि बच्चों एक दिन समय हमारी सुंदरता को नष्ट कर देगा। इसलिए बच्चों, वी शुड नॉट रन आफ्टर फिजिकल ब्यूटी, हमें शारीरिक सुंदरता के पीछे नहीं भागना है, बिकॉज इट डिकेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि बच्चों शारीरिक सुंदरता समय के साथ साथ खत्म हो जाता है। माई डियर स्टूडेंट, When we read second stanza of the poem, जब हम कविता का दूसरा स्टेंजा बच्चों पढ़ते हैं, Here we find the poet describes the meaning of true beauty. तो वहां हम पाते हैं कि कवि थॉमस केली ने सच्ची सुंदरता का बखान किया है। What is true beauty? What is real beauty? What is perfect beauty? Has been described by the poet Thomas Keli in the second stanza of the poem. ट्रू ब्यूटी के लिए बच्चों कुछ विशेष क्वालिटी, कुछ विशेष बातों का होना आवश्यक है, जो कवि थॉमस केली जी ने दूसरी स्टैंजा में बताया। सो दिस वाज द समरी ऑफ द पोयम, नाउ लेट्स अस स्टार्ट द टॉपिक, लेट अस रीड द पोयम, द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द पोयम। सो माई डियर स्टूडेंट, सी द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोयम। बच्चों, द ट्रू ब्यूटी कविता के पहले स्टेंजा को देखिए और इसके अर्थ को समझिए। ही दैट लव्स ए रोजी चीक और ए कोरल लिप एडमायर्स। बच्चों, यहाँ कवि थॉमस केली जी का विचार है कि वह व्यक्ति, ही दैट, वह जो लव्स ए रोजी चीक, जो रोजी चीक को लव करता है, वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों को पसंद करता है, गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और एक कोरल लिप एडमायर्स अथवा कोरल लिप अर्थात मूंगे जैसे लाल लाल ओठों को एडमायर्स करता है, मूंगे जैसे, मूंगे के समान लाल लाल ओठों की प्रशंसा करता है, अथवा और फ्रॉम स्टन लाइक आई द सीक, अथवा अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए तारे जैसे आंखों को चाहता है। कभी कहता है अंत में होगा क्या, ये सारी चीजें बच्चों रोजी चीक, कोरल लिप्स, स्टार लाइक आईज, ये सब क्या करेंगी, और फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, ये चीजें बच्चों फायर की तरह काम करती हैं, अर्थात ये चीजें रोजी चीक्स, कोरल लिप, स्टार लाइक आईज किसी के अंदर प्रेम की भावना को, प्रेम की ज्वाला को जगा देती हैं और व्यक्ति इन चीजों के पीछे भागता है। तो दीज थिंग्स वर्क एज फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, ये चीजें प्रेम को बढ़ा देती हैं, कोरल लिप्स, स्टार लाइक आईज, रोजी चीक। लेकिन कवि अंत में क्या कहता है बच्चों,
एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, और बच्चों एक समय आएगा व्हेन द लेडी विल बिकम ओल्ड, जब वो महिला बूढ़ी हो जाएगी, तो ओल्ड टाइम बुढ़ापा क्या करेगा, मेक्स दिस डिके, इन चीजों को डिके कर देगा। बच्चों ये जो रोजी चीक है, कोरल लिप है, स्टार लाइक आईज है, एक दिन नष्ट हो जाएंगी, समय इसकी सुंदरता को नष्ट कर देगा। तो कवि कहता अंतिम लाइन में सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, तो उस समय बच्चों उसका जो प्रेम रूपी ज्वाला है, प्रेम की आग है, कवि कहता वो भी वेस्ट अवे हो जाएगा। अर्थात बच्चों उस व्यक्ति की प्रेम की विचारधारा भी उस महिला के प्रति खत्म हो जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट, अतः मेरे प्यारे बच्चों, वी शुड नॉट रन आफ्टर फिजिकल ब्यूटी, आफ्टर रोजी चेक, कोरल लिप्स, स्टार लाइक आइज के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि ये चीजें स्थायी नहीं है, एक दिन ये चीजें खत्म हो जाएंगी। तो बच्चों जब भी हम पहला स्टेंजा पढ़ते हैं तो उसमें द पोएट थॉमस कैरियो हैज यूज सम फिगर्स ऑफ स्पीच, कुछ अलंकारों का प्रयोग किया गया। बच्चों पहली और दूसरी लाइन बच्चों ही दैट लव्स ए रोजी चेक और एडवांस में, बच्चों द पोएट थॉमस कैरियो हैज यूज मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच एंड द थर्ड लाइन ऑफ द पोएम, और बच्चों जब हम कविता की तीसरी पंक्ति पढ़ते हैं स्टार लाइट, तो इसमें बच्चों हमें सिमिली मिलता है। और जब बच्चों हम पोएम की पांचवी लाइन देखते हैं एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, बच्चों द पोएट हैज यूज्ड पर्सोनिफिकेशन इन दिस लाइन, क्योंकि बुढ़ापा समय एक दिन हमारी सुंदरता को नष्ट कर देगा, तो टाइम हैज बीन पर्सोनिफाइड। सो डियर स्टूडेंट हियर वी फाइंड पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। बच्चों हमें करना क्या है, फिजिकल ब्यूटी के बारे में बहुत चिंता नहीं करना है, फिजिकल ब्यूटी के बारे में बहुत भागना नहीं है। नाउ सी द सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम, आइए बच्चों हम कविता के दूसरे स्टेंजा को देखें। वेयर इज ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता कहाँ है, हु हैज ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता किसके पास है, आपको यहां देखने को मिलेगा। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, बच्चों उस महिला के पास सच्ची सुंदरता है जो स्मूथ रहती हो, जो एक समान रहती हो, स्टीड फास्ट माइंड, जिसकी इच्छाएं बड़ी दृढ़ हो, स्ट्रांग हो, जेंटल थॉट्स, जिसके विचार बड़े विनम्र हो, हु हैज ब्यूटीफुल आइडियाज, वन हु हैज गुड आइडियाज, जिनके अच्छे विचार हैं, एंड काम डिजायर्स, और जिनकी इच्छाएं काम हैं। इट मीन्स माई डियर स्टूडेंट हु कीप्स हिज डिजायर अंडर हिज कंट्रोल, जो अपनी इच्छाओं को अपने बस में रखता है, ही इज हैप्पी मैन, वही सुखी है। आपने फर्स्ट पोएम में देखा था बच्चों कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में। सर हेनरी वूटन जी ने बताया था कि प्रसन्न होने के लिए हमारा जो इच्छा हो, हमारा जो इच्छाएं हो, उसे हमें अपने बस में करना होगा। यहां भी थॉमस कैरियो जी कह रहे हैं कि यदि किसी के पास सच्ची सुंदरता होगी तो वो महिला एक समान रहती होगी, दृढ़ इच्छाओं वाली होगी, विचार उसके अच्छे होंगे, शांत इच्छाओं वाली होगी। ये सब करता क्या है बच्चों, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइन, ऐसी महिलाओं का प्रेम सबके लिए इक्वल होता है। सच टाइप ऑफ लेडी हु हैज दीज क्वालिटीज, स्मूथनेस, स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर, सी बिहेव्स इक्वली विथ ऑल, उस सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगी, और इसका जो प्रेम होगा, विचार होगा, किंडल नेबर डाइंग फायर्स, ऐसी महिलाओं का विचार, ऐसी महिलाओं का प्रेम नेबर डाइंग, कभी मरता नहीं है। सच टाइप ऑफ लेडी हु हैज दिस टाइप ऑफ थिंग्स, हु हैज स्मूथनेस, जेंटल थॉट्स, काम डिजायर, दे आर इमॉर्टल। सो हियर वी फाइंड अबाउट स्पिरिचुअल ब्यूटी, व्हाट इज ट्रू ब्यूटी वी फाइंड हियर। माई डियर स्टूडेंट सी द लास्ट लाइन विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर दीज आर नॉट द पोएट सेज द वुमेन हु डज नॉट हैव दिस क्वालिटी, वेयर दीज आर नॉट मीन्स का मतलब बच्चों ऐसी महिला जिस महिला के पास ये क्वालिटी नहीं है, कौन सा क्वालिटी, एक समान नहीं रहती है, दृढ़ इच्छाओं वाली नहीं है, अच्छे विचारों वाली नहीं है, शांत इच्छाओं वाली नहीं है, कभी का विचार है कि आई डिस्पाइज, ऐसी महिला से मैं नफरत करता हूं, आई हेट सच टाइप ऑफ ब्यूटी,
हु हैज ओनली फिजिकल ब्यूटी, हु हैज नो स्पिरिचुअल ब्यूटी, जिसके पास केवल शारीरिक सुंदरता हो और आध्यात्मिक सुंदरता ना हो, कवि थॉमस कैल का विचार है, मैं ऐसी महिला से नफरत करता हूँ, ऐसी सुंदरता से नफरत करता हूँ, भले उस महिला के पास लवली चेक्स और लिप्स आर आईज हो, भले ऐसी महिला जिनके पास लवली चीक्स हो, सुंदर गाल हो, लिप्स होंगे जैसे होंठ हो और स्टार लाइक आईज हो, किंतु बच्चों युद्ध महिला में अच्छाई नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, तो कवि की इच्छा है ऐसी सुंदरता को मैं लात मारता हूँ। इस प्रकार से बच्चों इन द लास्ट स्टेंजा वी फाइंड दैट द पोएट इज ऑफ द व्यू दैट ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर इज ट्रू ब्यूटी, चरित्र का सुंदर होना ही बच्चों सबसे अच्छी सुंदरता होती है। सो वी शुड नॉट रन आफ्टर फिजिकल ब्यूटी, अतः हमें शारीरिक सुंदरता के पीछे नहीं भागना है। सो हियर इंड्स द पॉइंट, बच्चों यहीं पर ये कविता समाप्त हो जाती है। आई होप, मैं आशा करता हूँ यू विल अंडरस्टैंड दिस पोएम, आज आप इस कविता को समझे होंगे। यू विल लाइक दिस वीडियो, आपको वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और के इंग्लिश क्लासेज ऑन यूट्यूब चैनल। सो प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।